नगर पालिका के जो भी मुल्क की सुविधा है वो पब्लिक तक हमने पहुँचा ले। अगर कुछ एरिया में रह भी गए होगा तो ये इलेक्शन में जो भी काम रहेगा, जो रास्ता, गटर, पानी, नल, ये जो एमएससीबी के जो समस्या है वो ज्यादा ज्यादा करके अपन 6 महीने में भी काम कर सकते। प्राइवेट जो भी इंडस्ट्री के एरिया में जितना भी जितना हो सके उतना हमने बच्चे उधर काम पे लगाए। अगर आ जाके बोलेंगे हम वो करेंगे ये करेंगे, तुम 20-25 साल से है तो फिर क्यों नहीं किए? यस, तो इनको जाके कितना दिन हो गया? अभी जुमा 8 दिन हो गए जाके, तो इसका मतलब काम तो मैं ही कर रहा था। आपने क्या काम किया पब्लिक को बताओ ना। ऐसा तुर्बे को अगले 10 सालों में किस रूप में आप देखना चाहते हैं? जो भी सलाम एरिया है उस जगह पे हमारा एक ही ख्वाब है, जितना हो सके उतना डेवलप होएगा, उसमें सबका समाधान है। दोस्तों नमस्कार, TV1 इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी शायर ने लिखा है कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने संकल्प, समर्पण और सक्रियता के दम पर बुलंदियों के आसमान पर पहुंचने की मंशा रखी है। ऐसा तमाम उन्होंने काम किया है तुर्बे स्टोर और तुर्बे इलाके परिसर में, जो दूसरे लोक प्रतिनिधियों के लिए एक मिसाल बन गई है। आज फेस टू फेस में हम सीधे आपसे रूबरू करवा रहे हैं स्थायी समिति के पूर्व सभापति, वरिष्ठ नगर सेवक और शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो अभी ये दौर चला है लॉकडाउन का और कोरोना काल चला है, एक ऐसा कहा जा रहा था कि तुर्बे स्टोर जो है या तुर्बे का जो पूरा इलाका है वो स्लम इलाका है और वहाँ पर कोरोना के फैलने का बड़ा खतरा था, लेकिन आपने एक ऐसा तरीका वहाँ पर अपनाया कि तुर्बे स्टोर इलाका सबसे सुरक्षित निकला जो शहरी इलाकों के कॉलोनियों के अपेक्षा। ये आपने कैसे किया, कैसे आपने स्लम इलाके में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पहल की? उस जगह पे अपना कमिश्नर आए आदरणीय, हमारा मुख्यमंत्री साहब आदरणीय, पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके माध्यम से राजन विचारे साहब, इनके माध्यम से हमारा पावर नाटा साहब, हमारा इटल जी मोरे साहब, ये सबके माध्यम से उस जगह पे मिसाल साहब थे कि उनका कहना है कि धारावी के जो झोपड़पट्टी में चल रहा था, तो उस जगह पे उनका कहना है कि धारावी के जैसा अपने यह सलामीरे में नहीं होना चाहिए, वो सबसे अपने को कुछ तो उपाय करना चाहिए। उस जगह पे उन्होंने बोला कि आप लोग को अपने को 2-3 टीम बनाओ, 100-150 बच्चों का टीम बनाया हम लोग ने। टीम बना के उनका कहना था कि उसमें वो टीम में हमारा कार्यकर्ता भी थे, उस जगह पे प्रशासन के कुछ महापालिका का प्रशासन के आदमी थे कुछ, और पुलिस डिपार्टमेंट थे, ये सभी लोग को लेके हम लोग डोर टू डोर हम लोग स्कैनिंग किया। उस जगह पे ज्यादा ज्यादा करके पॉजिटिव खाली 191 कुछ ऐसे पेशेंट निकले, तो उस जगह पे इस जगह पे सब पूरा सर्वे करने के बाद में उतना ही उसमें हम लोग रोक दे, पूरा जितने भी हमारे इलाके है झोपड़पट्टी में, वो झोपड़पट्टी में ये सबसे हम लोग आदरणीय कमिश्नर के माध्यम से, पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग ये काम उसको लेके उस जगह पे कोविड ज्यादा ज्यादा करके जैसा कम होगा उसके बारे में सोच के हम लोग ये काम किए। और आप उसमें सफल भी रहे। एक मैं समझता हूँ कि नोएम्बई में तुर्बा स्टोर जिस लेकर सबसे ज्यादा खतरा महसूस किया जा रहा था, बहुत आसानी से वहाँ कोरोना नियंत्रण हो गया। एक आम सवाल आपके बारे में जो आजकल सबसे ज्यादा पहले सुर्खियों में रहा है कि आप लंबे समय से गणेश नाइक जी के समर्थक रहे और उनके साथ आपने लंबा काम किया, लेकिन फिर आपने उन्हें छोड़ दिया। इस पर बहुत सवाल हुए कि आप शिवसेना में चले गए, आप क्या वजह रही इसकी बड़ी कि आपको भाजपा गणेश नाइक जी को छोड़ना पड़ा? मेरा जगह पे मैं सही हूँ, उन्होंने मेरे को कोई पार्टी से निकाला नहीं। बिल्कुल, नाइक साहब को हम आज भी आदर करते हैं। उनका जो पहला वो पार्टी में था, जैसा उनका जैसा नाइक साहब बोल रहे थे वो हिसाब से हम लोग काम किए। आज पार्टी छोड़ भी दिया तो भी इधर शिवसेना में आया, शिवसेना में भी जैसा वो जो पार्टी में काम किया वही तरीके से ये भी पार्टी में काम करेंगे हम लोग, और अच्छा तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कल पार्टी छोड़ा पार्टी से कोई गद्दारी करेगा। ये शिवसेना में भी आए, शिवसेना में भी वही तरीके से काम करेंगे हम जो पहला अपोजिट पार्टी में थे। हाँ। वो जो काम हो रहा था वही पार्टी वही सबसे आज भी शिवसेना में अच्छे तरीके से काम चालू है। अभी आप जिस पार्टी में हैं उस महागाड़ी सरकार है और शिवसेना जो उसको नेतृत्व कर रहे उद्धव ठाकरे साहब सीएम है,
किस तरह से आपके इलाके को तुर्बे स्टोर परिसर को के विकास के लिए सरकार किस तरह से मदद कर रही है, जो उनके नेता और मंत्री हैं किस तरह से आपको मदद कर रहे हैं? सुनो, उस जगह पे तो पहला सलामी रहता, पहले के जो 95 में वो झुपड़पट्टी में बहुत सारी परिस्थिति थी, वहां पर पारी नहीं था, हम लोग को स्टैंड पोस्ट था उस जगह पे। हाँ, राइट। तो स्टैंड पोस्ट रहने की वजह से उस जगह पे बहुत लोग को दिक्कत होती थी, वहां पर मारामारी होने का ज्यादा से ज्यादा, लेडीज लोग का मारामारी होने का, जेंट्स का मारामारी होने का। वो हिसाब से 95 में जब इलेक्शन हो गया तो हमारे कारपोरेटर बन गए। उस जगह पे हमने महापालिका, जब नया महापालिका था उस जगह पे एक दो साल में हमने बहुत कुछ ट्राई किया काम करने का। उस जगह पे पाइपलाइन भी हमारा खुद का जेबसी डाला। अच्छा, कारपोरेशन आया तभी से, कारपोरेशन जब करेगा तब करेगा काम, तब तक तो हमने स्टैंड पोस्ट सभी मोहल्ले में, तो उस जगह पे 70-100 कनेक्शन हम लोग को खुद का जेब का पैसा खर्च करके उस टाइम में हम लोग कनेक्शन दिए। और उसी परिस्थिति ऐसा था कि उस जगह पे टॉयलेट के लिए जगह नहीं था, कि टॉयलेट के लिए जगह नहीं था। हम लोग केके रोड में हम लोग सोचे कि पब्लिक सब लेडीज सब खुले मैदान पे जा रहे थे, कि वहाँ का पब्लिक का कहना कि दादा हम लोग को यहाँ पर हमारे जेंट्स के लिए तो नहीं, कम से कम लेडीज के लिए तो टॉयलेट बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हमने वहां पर एक उनको एक मुद्दा रख दिया कि भाई जगह कहाँ पर है, देखो हम खुद का पैसे से हम टॉयलेट बना के देंगे। बिल्कुल। तो उस जगह पे कुछ जगह का तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मैंने प्रस्ताव रखा कि अपने को तो जगह नहीं मिलेगा, इधर लेडीज लोग को तो अपने खुले मैदान में जा रहे। उस जगह पे हमने चार झोपड़ा खरीदी किया, चार झोपड़ा खरीदी करके उस जगह पे फिर कारपोरेशन को झोपड़ा खरीदी करके तोड़ के कारपोरेशन को बोला यहाँ पर टॉयलेट बनाओ, कि वहां पर लेडीज लोग का समस्या हमारा छूट गया। बिल्कुल। उसके बाद में आस्ते आस्ते कारपोरेशन का टॉयलेट बढ़ते गए, फिर काम होते गए, तो आज तो वहां पर रास्ता, गटर, पानी, जो ग्राउंड, हॉस्पिटल, स्कूल, वहां पर मंदिर, मस्जिद, जो भी बुद्धविहार, डॉक्टर बाबा साहब का अम्बेडकर का जो स्टैचू बनाया हमने, कंपाउंड वॉल मार दिया, दो बुद्धविहार बनाया, वहां पर दुर्गा माता मंदिर बनाया, शर्मा देवी मंदिर का भी कलश हमने बनाया। इस जगह पे ऐसा ये तरीके से हम लोग काम करते करते तो यहाँ तक पहुंच गया हम लोग। वहां पर आज कोई काम रुकेले नहीं। आज डंपिंग ग्राउंड का हम लोग का बहुत बड़ा दिक्कत था, उस जगह पे डंपिंग ग्राउंड का भी हमने आवाज उठाया। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, कल तक जो आपके साथ में लोग थे आज वो कहने लगे हैं कि तुर्बे जो है वो पिछड़ा हुआ है, तो आपकी नजर में तुर्बे क्या वाकई पिछड़ा हुआ है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? सुनो, अगर आज मैं नायक साहब को छोड़ दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर शिवसेना में आके गलत काम करना। यस, वहां पर भी अच्छे ही काम कर रहे हैं, जो पहले अपोजिट पार्टी में था वो भी अच्छे ही काम किया, आज भी हम लोग अच्छे ही काम कर रहे हैं। अगर ये भी मेरे साथ में थे, इनको भी पता है सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको भी सब पता है और आपको भी पता है, वो भी मेरे साथ में घूम रही थी। तो काम उस जगह पर कौन किया? सुरेश कुलकर्णी नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब तो इनको जाके कितना दिन हो गया, अभी जुमा 8 दिन हो गए जाके, तो इसका मतलब काम तो मैं ही कर रहा था। आपने क्या काम किया पब्लिक को बताओ ना, ऐसा कुछ किया है वो भी होना चाहिए। तुर्बे स्टोर में जो आपका खासकर जो इलाका है उसमें आपको सबसे बड़ी समस्या ऐसी क्या लगती है कि जिसे आप तत्काल हल करना चाहते हैं, क्योंकि आप कई मुद्दों को लेकर आप लंबे समय से उसकी आवाज उठा रहे हैं? तो हमारा एक ही कहना है कि आज महाराष्ट्र सरकार में सरकार हमारा शिवसेना का है, उस जगह पे SRA योजना अगर लागू किया तो हम लोग झोपड़पट्टी में एक ख्वाब है सब लोग का, कि उस जगह भी आप आज 500 एरिया उन्होंने डिक्लेयर किया पहले कैबिनेट में, तो उस जगह पे अगर ये अगर हमारा मसला छूट गया तो सभी हम लोग भी सबको लगता है कि सबका बाल बच्चे बड़े हो गए, आज सबका फ्लैट में रहने का सबका इच्छा है, अगर ये अगर सरकार अगर ये मांग पूरा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, और मैं तो बोलता हूँ 1 साल में हो ही भी जाएगी बात। सरकार ने भी हाल ही में नवम्बई के लिए स्वतंत्र SRA की घोषणा भी की है, जल्दी मुझे लगता है कि उसका अमल में भी लाया जाएगा। आपको लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा जो है तुर्बे परिक्षेत्र को होगा? जितना सबसे बड़ा फायदा ये होएगा कि सलामीरे में अगर ये SRA योजना लागू हो गया कि सभी झोपड़पट्टी वासियों को लगेगा कि चलो यहाँ पर अपने को बिल्डिंग होने वाले, फ्लैट होएगा, फ्लैट मिलेगा सबको, उनका एक ख्वाब है, उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा, और ये सरकार करेगा 101% ये काम होएगा, हमको ये गारंटी। आपने एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर हाल ही में आपने मोर्चा निकाला था, कई बार आपने इस तरह से आंदोलन किया कि प्रशासन को झुकना पड़ा था, वो था
हाईवे पर पुल बनाने को लेकर, जो तुर्वे पे क्रॉसिंग पुल को लेकर हमेशा तकलीफ रही है, तमाम एक्सीडेंट होते रहे हैं, उसको लेकर आपने आंदोलन और मोर्चा निकाला, कहाँ तक बात पहुँची है उस पुल को लेकर? उसके बारे में तो मैं सभागार में भी बहुत सारे आवाज उठा है कि भाई वहाँ पर अभी तक तो इतना इतना आदमी मरे उधर, इतना आदमी का जख्म हो गए, कुछ लोग ने हाथ पे गमर कर गए उनका। इसके बारे में हमने सभागार में भी आवाज उठाया कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो गए, और पांचवी बार में हमने आक्रमण लेके उस जगह पे सभागार चलने नहीं दिया, सभागार चलने नहीं दिया। सभागार में मैं बोला जब तक मेरे को इसका जो ब्रिज का आप लोग प्रस्ताव नहीं लाता है तब तक मैं सभागार चलने नहीं देगा। हम लोग नीचे बैठे तो जगह पे अदान्य हमारा महापौर मिसाल साहब थे, उन्होंने कहा कि कुलकर्णी साहब ये हो जाएगा काम। नहीं सर, ये होएगा नहीं, हम लोग मांग किए उस जगह पे आप लोग ने जो टेंडर निकाला तो अपना इसका स्काई वाइक पब्लिक जाएगा। हमने ये भी आवाज उठाया उस जगह पे, स्काई वाइक निकला सर, टेंडर हो गया, वो टेंडर हो गया, टेंडर होने का बाद में कोई कॉन्ट्रेक्टर टेंडर डाल रहे नहीं। आप लोग अगर उसको बुला के बोलते थे उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या खाली ब्लू में डालना है कि अबो में डालना है, तो आप लोग बैठ के अगर डिसाइड करते तो ये अवगत भी नहीं होता था। बिल्कुल 5 साल पहले वो भी काम हो जाता था। तो उन्होंने सभागार में मैं ये भी बात किया तो उस टाइम में कॉन्ट्रेक्टर का वजह से कुछ लोवेस अभाव के वजह से वो काम रुक गए। तो फिर हमने आवाज उठाया उस जगह पे उडन ब्रिज ले लो। अगर इसमें कोई कॉन्ट्रेक्टर आ रहा नहीं तो आप एक काम करो, आपको उडन ब्रिज लेना पड़ेगा, जैसे सविता केमिकल में लिए उस जगह पे उडन ब्रिज लो। तो उन्होंने प्रस्ताव बनाया, देसाई साहब ने और हमारा कमिश्नर थे उस टाइम में वाघमारे साहब थे, तो उस टाइम में उन लोगों ने प्रस्ताव बना के सभागार में लेके आए। तो उस जगह पे कुछ प्रॉब्लम था कि जो ब्रिज है उसको ब्रिज का हाइट कम किया था, वो फिलिंग करके ब्रिज करने वाले थे, एंट्री एक ही रखने वाले थे। अच्छा, तो मैंने उस जगह पे आवाज उठाया ये ब्रिज ऐसा मत लो, आज ही खर्चा करो, कल बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, सलाम एरिया का भी ये डेवलप होएगा, तो उस जगह बस भी आएगा, घूमेगा, सेक्टर वाइज होएगा, तो वो हिसाब से आप जैसा सविता केमिकल में सामने जो बनाया वैसा उडन ब्रिज ले लो कि गाड़ी भी नीचे से आते जाएगा और एमआरडीसी में भी आपने वो कनेक्ट ये रास्ता कर सकते हैं, वो हिसाब से आप लोग ब्रिज ले लो। फिर बाद में उसने वो प्रस्ताव लेके सभागार में लाया तो उसको भी डिले कर रहे थे। फिर मैं उस सभागार में तो आवाज उठाया उस जगह पे ब्रिज कब हो रहा है, कितना दिन में हो रहा है, आप खाली इतना दिन से प्रस्ताव ला रहे, प्रस्ताव ला रहे, प्रस्ताव ला रहे बोल रहे। तो उस जगह पे सभागार में आवाज उठा, तो उस जगह पे हम लोग ने आंदोलन किया सभागार में नीचे बैठे। तो मैं कमिश्नर साहब को बोला जब तक आप मेरे को लिख ही नहीं देता तब तक मैं इधर उठेगा नहीं। बिल्कुल। तो उस जगह पे कमिश्नर साहब ने भी बोला, महापौर साहब भी बोले चलो उनको लिख ही दे दो, 3 महीने में हम काम करेंगे। तो उस जगह पे लिख ही दिया तो हमने भी हमारा जो आंदोलन थे पीछे ले लिया हमने। तो उस टाइम में खुद उन्होंने दौरा किया, कमिश्नर साहब खुद दौरा लिए कि वहां पर टेकअप कहाँ करेंगे, लैंडिंग कहाँ पर, तो उसके बारे में भी चर्चा होगा। सभी जितने भी प्रशासन के थे वो सभी आ गए थे, उस जगह पे चर्चा होगा, सब बात हो गया। फिर बाद में उन्होंने प्रस्ताव महासभा में लेके वो मंजूर भी किया, चलो अभी टेंडर हो गए कुछ, उसके लिए वो काम कोविड की वजह से रुक गया, रुका हुआ है, चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यस भाई, मैं आपके थोड़ा सा कामकाज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। दूसरे स्लम इलाकों की अपेक्षा देखें तो काफी बेहतर कंडीशन में आपके प्रभाग दिखते हैं। 5 साल में किस किस तरह के खास काम वहां पर हुए हैं जिनको आप खुद गिनाना चाहेंगे? वहां पर हमारा मेन डंपिंग का प्रश्न था, तो उस जगह पब्लिक सभी चिल्ला रहे थे डंपिंग हटाओ यहाँ से, बहुत गंदे भाषा था। मैं भी वहीं पर रहता हूँ, बिल्कुल सबका ही कहना था उधर कि सभी पार्टी का सबको तकलीफ हो रही थी बात। बिल्कुल उस जगह पे उसके बारे में भी हमने आंदोलन किया, उस जगह पे 2-3 बार आंदोलन किए, उस जगह पे आप लोग सब मीडिया वाले भी आए थे, उस जगह पे मेयर साहब आए, सुतार साहब आए, सोनोने साहब आए, उन्होंने भी बोला कि हम लोग ये तुरंत जल्दी हटा देंगे। और उन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि आप 2 महीने रुको, 3 महीने रुको। तो उस जगह पे जगह अपना पास अंडर में नहीं रहने की वजह से उनको थोड़ा डिले हो गया, और उन्होंने तुरंत जगह ले लिया 100 कोटी देके। तो उस जगह पे वो भी हमने जैसे जैसे सभागार में आवाज उठाया 2-3 बार सभागार चलने नहीं दिया हमने, तो उस जगह पे प्रशासन भी बोले कि चलो अभी हमको जगह मिला, वो शिफ्ट कर लिया उन्होंने। तो ये बात थे, हमने ये जो भी जो सवाल था वो करवा दिया। वहां पर जो बड़ा एक ग्राउंड की जरूरत थी बच्चे लोग, उस जगह पे बच्चे लोग का इतनी परिस्थिति बिगड़ती थी, कुछ वाइटिंग पी रहे, कोई दारू पी रहे, इसमें क्या किया हमने, अगर ये बच्चे लोग कल
फालतू लाइन में चले जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए करके हमने उतना बड़ा ग्राउंड बनाया कॉर्पोरेशन के माध्यम से। उस जगह पे आज हम लोग पुलिस ट्रेनिंग भी आज बच्चों लोग को ले रहे हैं, वहाँ पर अच्छा काम चल रहे हैं, कुछ बच्चा नशा मुक्त हो गए ले, और इस तरीके से हमने काम किया और इसका आगे भी जो जो भी काम है सब जितने भी काम है सब काम हो गए ले। हम लोग का अपेक्षा इतना ही जितना हो सके उतना जल्दी टावर होए। अब तुर्बे पूरे स्टोर पर अगर नजर डाला तो ये श्रमिकों का और खासकर मजदूर और श्रमिक वर्ग का जो इलाका है, लॉकडाउन के कारण काफी नौकरियों की रोजगार की काफी दिक्कत हो गई है। आप उन्हें रोज कई मैंने सुना है कि कई क्षेत्रों में आपने उनको रोजगार दिलाने की भी कई कई कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की कोशिश चल रही है ये? देखो मैं कॉर्पोरेशन में इतना साल से काम कर रहा हूँ, वहाँ पर कॉर्पोरेटर बन के हमारा चार चार कॉर्पोरेटर थे, जिसको जिसको जैसे जैसे नौकरी चाहिए वैसे वैसे हमने दिए। यस, उस जगह पे कॉर्पोरेशन को, उस जगह प्राइवेट कंपनी हो, कोई प्राइवेट जो भी इंडस्ट्री गिरे में जितने भी जितना हो सके उतना हमने बच्चे उधर काम पे लगाया। और वो मेरे को तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा, हमने कितना काम पे लगाया कितना नहीं लगाया उसके बारे में मेरे को बोलना नहीं, हमने काम पे लगाया, ये बात आप लोग भी सब लोग जानते हैं। यस, ये काम हम आज तक करते हैं, अभी भी कर रहे हैं और इसका आगे भी करते रहेंगे। आइकिया को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है कि आइकिया में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने खुद आपके यहाँ सैकड़ों लोगों को देखा उसमें इंटरव्यू देने के लिए जाते हुए। देखो आइकिया कंपनी आया तब से उस जगह पे उन लोग स्थानीय कॉर्पोरेटर का मदद लेके वहाँ पर अच्छा काम किया उन्होंने, हम लोग को भी उन्होंने हेल्प किए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि उस जगह पे कॉर्पोरेटर को उनको बिगर पूछते काम किया, उन्होंने हम लोग को सबको विश्वास में लेके काम के लिए काम किए। और जितने भी जो बच्चे लगने वाले वो काम पे लिए उन लोग, जो भी ऑनलाइन भर्ती है ऑनलाइन भर्ती वो सबसे चल रहा है, जो स्पीकिंग का है सिक्योरिटी का है वो जो बच्चे लगने वाले वो ले रहे, लोकली ले रहे, बम्बई के ले रहे, वैसा कुछ नहीं कि आप ही का ही आदमी ले रहे हैं, इनका आदमी ले रहे हैं या मेरा आदमी ले रहे हैं, वैसा कुछ नहीं, न्यू बम्बई के सभी का आदमी लिया। आपने युवाओं के लिए पहली बार एक ऐसी ऐसी पहल की पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, तो उस ग्राउंड पर आपने युवाओं के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया, आज तकरीबन 200 से 250 बच्चे मैंने सुना है कि वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये सोच कहाँ से आई कि युवाओं को इस दिशा में ले जाना चाहिए? ये पुलिस प्रशिक्षण लेने का कारण एक ही था कि हम लोग का पहला उपलब्ध ग्राउंड उपलब्ध हो गया, तो उसमें क्या अभी जितने भी बच्चे लोग 12वीं हो गया जो बच्चे लोग अभी जो बैठ रहे हैं तो उनको सभी को नौकरी नहीं मिल रहा है आज। बिल्कुल बहुत सारे बेकार बच्चे, अगर हमने सुना टीवी में बात में भी आ गए कि 10-15 हजार पुलिस भर्ती है, वो थोड़ा दिमाग में लेके हम लोग ने ये प्रशिक्षण चालू किया कि 12वीं के जितने भी हमारा सलामी रहेगी जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देके अगर कल वो ट्रेनिंग होने से कल उनको थोड़ा आगे थोड़ा बिल्कुल उनको मदद होएगा, वो हिसाबसे हमने ये सेंटर चालू किया। अभी किसने किया नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन हमने तो चालू किया, वो हिसाबसे बच्चों लोग को कम से कम तो 200-250 में से 20-25 भी अगर बच्चे जाएंगे उसमें समाधान रहेगा। अगले मार्च महीने में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और आपका जो क्षेत्र है उसमें काफी आपके क्षेत्र को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि ये पूरा जो बेल्ट है कहीं ना कहीं आपके कामकाज से प्रभावित है, किस तरह की तैयारी है आपकी अगले चुनाव को लेकर महानगर पालिका के? आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय हमारा पालक मंत्री साहब, आदरणीय हमारा राजन जी विचारे साहब खासदार, और नाटा साहब है हमारे, इटल जी मोरे साहब है जिला अध्यक्ष, सब इनके माध्यम से हम लोग अच्छे तरीके से काम चल रहे रह गए बात इलेक्शन की होते रहेगा। अभी कल मैं भी बोलेगा चलो हम चुन के आएगा, आप भी बोलेंगे, वो तो पब्लिक देने वाले वोटिंग, पब्लिक वोटिंग देगा, पब्लिक चुन के देगा, किसको देना है पब्लिक तय करेगी। यस यस, हमारी तैयारी तो फुल अपना फुल स्विंग में है। महागाड़ी सरकार अभी है और आप शिवसेना में ही हैं, तो कितना फायदा आपको लगता है कि इस चुनाव में होगा, ये जो ग्रुप है उसमें जाने से कुछ फायदा इस बार चुनाव में होगा? तो 101% होगा। अगर पहला मैं अकेले लड़ रहा था आज मेरे साथ में आगाड़ी सरकार है, वहां पर हमारा तो शिवसेना पार्टी है ही है, एनसीपी हमारे साथ में, कांग्रेस हमारे साथ में, तो आगे फिर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं मेरे को, वो तो कोई भी बता सकता है कि बाबा यहाँ पर क्या होने वाला है। आपने डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चालू की, क्योंकि तकलीफ लोगों की इस तरह से आपके पास तमाम शिकायतें आती, कई बार आपने उसके लिए भी मोर्चा निकाला और प्रशासन को आपने इसे अवगत करवाया, अभी उसको लेकर किस तरह की कंडीशन है,
क्या डंपिंग ग्राउंड कब तक तुर्बे स्टोर से हट जाएगा और तुर्बे जो रहवासी हैं उनकी मुसीबत का अंत होगा? इसके बारे में अभी तो डंपिंग ग्राउंड की परिस्थिति ऐसी हो गई, अभी इस जगह पे से उठाया इस पे इधर लाके रख दिया, तो इधर की भी परिस्थिति वही बिकट है कि इधर भी आज जगह उनको बस एक साल या छह महीने तक रहेगा। तो हमने उनको लेटर दे रहा हूँ, मैं लेटर भी दे चुका हूँ कि इस जगह पे ये जगह आप लोग खत्म हो जाएगी छह महीने में, अगर पर्याय जगह नहीं देखेगा तो कल बहुत बड़ा परिस्थिति निर्माण होगी और सब लोग पब्लिक भी आंदोलन में उठेंगे, आंदोलन भी करेंगे। इस जगह पे हमने कुछ सर्वे नंबर दिया हमने और पत्र लेटर भी दे दिए, उस जगह पे अगर उन लोग शिफ्ट करेगा तो कल ये भविष्य में झोपड़पट्टी वस्ती छोड़ के अगर पीछे जो कौरे में जाएगा तो ये सबसे अच्छा रहेगा, कल पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आएगा, पब्लिक 4-5 किलोमीटर लंबा रहेंगे तो उस जगह पहाड़ी में जाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। और अब ये प्रशासन को लेटर दिया, अगर प्रशासन इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके उतनी दूसरा जगह देखेगा तो बहुत अच्छा। मैं इसमें एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तरफ ऐसा है कि तुर्बे स्टोर में लोग परेशान थे, आपने उनकी पीड़ा को समझा और आपने डंपिंग ग्राउंड हटाने की बात की, आपने मांग की। दूसरी तरफ महानगर पालिका ने जहाँ डंपिंग ग्राउंड अभी शिफ्ट करने की तैयारी की है, क्या वजह है वहाँ के नगर सेवक इस बात को लेकर कभी नहीं बोले कि भाई वहाँ से उठा के और यहाँ रख रहे हो तो यहाँ के लोगों को भी तकलीफ है, हनुमान नगर के लोग भी तो इंसान है जैसे तुर्बे स्टोर के लोग। जहाँ पर हनुमान नगर के तुर्बा स्टोर के जो पब्लिक परेशान हो गए थे, आज हनुमान नगर की भी परिस्थिति होगा वैसे ही, आज उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बास आ रहे उधर, उन्होंने भी बताया हमको दादा ये डंपिंग आके बहुत गलत हो गया, अभी तो अभी पर्याय इनके पास जगह नहीं, अभी 5-6 महीने तो हमको देखना ही पड़ेगा, 5-6 महीने के बाद में फिर अपन मैं लेटर भी दिए इनको हटाने का है, तो कल यहाँ पर भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने के मुहूर्त आ जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त जब ये शिफ्टिंग की तैयारी चल रही तो वहाँ के नगर सेवक को भी ये रोकना चाहिए था, तो उस जगह पे वो नगर सेवक का भी कुछ बैठा होगा तो उनको कुछ लेन देन ही नहीं पब्लिक के बारे में, तो मैं उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता। महानगर पालिका जैसा आपने कहा, मैंने अपने सवाल वो आपसे पूछा मैंने कि महानगर पालिका ने जो सही बात है कि वहाँ भी वही दिक्कतें थी। इस वक्त अगर देखें तो आपके आसपास के जो वार्ड हैं वो 5 से 6 वार्ड हैं और आपके वार्ड के अगर छोड़ दें थोड़ा सा, अगर आपके पर्टिकुलर वार्ड को छोड़ दिया जाए तो दूसरे स्लम वार्ड में इतनी मुसीबत लोगों के है कि गटर नहीं है, फुटपाथ तो है ही नहीं, पानी की समस्या है, शौचालय नहीं है लोगों के और बिजली के तार घरों पर लटके हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी भी पीड़ा आपको उस वार्डों तक पहुंचकर भी आपको वहां की पीड़ा थोड़ी दूर करनी चाहिए? चलो इस जगह पे अभी कल या 6-7 जो भी वार्ड है वो वार्ड में अगर काम अगर मेरे को मौका मिला काम करने के लिए तो मैं सब जितने भी परेशानी है पहले तो मैं पहला जितना भी वो बोर्ड लगाए आज बहुत सारे झोपड़पट्टी में पहला जो हम नहीं थे उसके पहले ही हो गए, आज वो बोर्ड जितने भी एमएससीबी ने जो बोर्ड लगा के गया पहला उसका समस्या छुड़वाएगा और वो होएगा। मैं पत्र भी दिया उनको, लेटर भी दिए और जितना हो सके उतना पहला वो बोर्ड हटेगा, जैसे पहले थे जिसके जिसके घर में मीटर है उनके घर में मीटर बिठाने देगा। अगर इसमें क्या होएगा तो उन लोग केबल जो डाल दिए है वो नीचे केबल में कुछ लोग को शॉक लग गया, कुछ लोग के उधर शॉक लग के कुछ नुकसान भी हो गया, कुछ भैंसों को भी शॉक लग, कुछ बकरे भी वहां पर अपघात हो गए उसमें, कि इस जगह पे उनको लेटर भी दिए और उन्हें भी एक्सेप्ट किया हमको जितना हो सके जल्दी, तो हम लोग को जैसा था पहला वैसा वो मीटर वैसा घर घर में लगाने का उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और हो जाएगा वो इलेक्शन के बाद में वो काम पूरा कर दे। क्या मुद्दे रहेंगे खासकर जब इस चुनाव में, क्या आपको लगता है कि प्रमुख मुद्दों को लेकर क्या हम जनता के साथ जाएंगे? काम तो आपने किया ही है, हमने जो काम करना है महानगर पालिका के जो भी मूलभूत सुविधा है वो पब्लिक तक हमने पहुंचाए ले, अगर कुछ एरिया में रह भी गए होगा तो ये इलेक्शन में जो भी काम रहेगा जो रास्ता गटर पानी नल ये जो एमएससीबी के जो समस्या ये सब हम लोग उसको निकाल देंगे और उतनी ही काम है उनका और इतनी बड़ी काम नहीं है कि चलो उसको 5 साल लगेगा 10 साल लगेगा वो बड़ी बात नहीं, वो ज्यादा ज्यादा करके अपन 6 महीने में भी काम कर सकते हैं। और ये कुछ इतना ही नहीं कॉर्पोरेशन के माध्यम से वो निधि से भी काम हो सकता है, उस जगह पे कुछ लोग ने काम नहीं किया अगर आज आके बोलेंगे हम वो करेंगे ये करेंगे तुम 20-25 साल से है तो फिर क्यों नहीं किए, वो करना चाहिए था बिल्कुल हमको, अगर मौका मिलता तो हम वो पूरा काम कर देंगे, 6 महीने में काम पूरा करके दे देंगे। आप एरिया का नाम लेके अगर बताएं कि किस किस एरिया को आप
नए रूप में देखना चाहते हैं, जैसे तुर्बे स्टोर हो गया, हनुमान नगर हो गया, इंदिरा नगर हो गया, कि ये इलाके निश्चित तौर पर विकसित होने चाहिए, वहाँ के लोगों को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तुर्बा स्टोर में जो सुविधा हो गया, आज के जो बात देखे गया था, मेरा आज एरिया अम्बेडकर नगर, गणेश नगर, इंदिरा नगर, ये जो एरिया चुना भट्टी, वहाँ पर जो भी पानी का समस्या था, मैंने पानी का प्रश्न वो निकाल दिया। उस जगह पे इंदिरा नगर में भूमिगत एक टाकी था, आज हमने दूसरा भी टाकी मंजूर करके, उच्च स्तरीय टाकी भी इंदिरा नगर में मंजूर किया, उस जगह पूर्णा पाइपलाइन का भी काम मंजूर करके एक 8-10 दिन में वो भी काम चालू हो जाएगा। तो ये सब हमने मंजूर किया। जो भी समस्या पहला पानी का प्रश्न था, वो तो छूट गए, वो तो हो गए, टेंडर भी हो गया, सब कॉन्ट्रेक्टर भी हो गया, वो इसके कोविड की वजह से वो काम रुक गए, वो शायद वो काम भी चालू कर सकते हैं 8-10 दिन। जैसा कि आपने कहा कि कुछ नागरी जो सेवा सुविधाओं की बात है वो जल्दी पूरी हो जाएंगे, जैसे पानी है, शौचालय, दूसरी जो छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ा विजन 5 सालों का आपका क्या है जो तुर्बे स्टोर में आप देखना चाहते हैं? तो बड़ा विजन हम लोग का ये है, एसआरआई योजना लागू होना चाहिए, उस जगह पे हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आएंगे और पालक मंत्री साहब, आदरणीय खासदार साहब के ये माध्यम से जितना जल्दी हो सके उतना ही अगर ये डेवलप होएगा तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी हमारे झोपड़पट्टी वासियों को होगा। और इसमें कैसा करेंगे, ये अगर झोपड़पट्टी में अगर सब ये काम हो रहा है तो उस जगह पे सब जगह पे उधर स्कूल के भी बड़ा आ जाएंगे। आज हमारे पास स्कूल 10वीं तक है, वहां पर हो सके 12वीं तक अगर स्कूल ग्रेजुएशन तक हो जाएगा तो वो एक खौफ है उसमें। अगर ये एसआरए योजना लागू होगा तो उसमें स्कूल आएंगे, हॉस्पिटल भी आएंगे उस जगह पे। अगर कुछ लोग बेघर के जो आज नाका के कामगार जो लोग है, ऐसे लोग के लिए भी वहां पर एक हॉस्टल बना देंगे, कुछ लोग रहेंगे एक साइड में, वो भी जगह का वो माध्यम से ये भी कर सकते हैं। ये आदरणीय पालक मंत्री को बोल के ये भी करवा सकते हैं हम लोग। रह गए बेघर लोग के लिए ये भी हो जाएगा, रह गया अभी पानी है उसमें, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, मंदिर है, ये सब के लिए सुविधा है, वहां पर ये डेवलप चालू हो तो हो जाएगा। रह गया अभी दूसरी बात, तो अभी इसका आगे अभी और बहुत सारे काम करना है, कुछ ग्राउंड हमारे पास बड़ा है, उसमें जितना हो सके अभी पुलिस परीक्षण लिए ले, जितना हो सके और आदरणीय पालक मंत्री का माध्यम से अगर उसको जितना बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग खाली सलाम इरेमी के बच्चों लोग के लिए, अगर पूरा न्यू मुंबई के लिए अगर हो जाएगा और उससे अच्छा रहेगा, और आदरणीय पालक मंत्री के माध्यम से ये भी हम लोग करना चाहते हैं। ये अगर हो जाएगा तो यही बड़ी बात है हम लोग के लिए, बच्चों लोग के लिए भी खुशी की बात है। और रहेगा ये सब काम करने के टाइम में हम लोग का और कुछ विजन है कि उस जगह पे बच्चों लोग का प्रशिक्षण हो जाएगा, वो जगह पे उनको कल रोजगार मिलेंगे, नौकरी मिलेगा, ये सभी काम हम लोग का करना है। और इससे आदरणीय पालक मंत्री मुख्यमंत्री के माध्यम से ये हम लोग काम, पहला विजन हम लोग का ही है। जो कांग्रेस है वो कहती है कि इस बार महानगर पालिका में उसका महापौर होगा, भाजपा कहती है कि सत्ता हमारी होगी, शिवसेना और एनसीपी कहते हैं कि हमारी होगी। एक वरिष्ठ नगर सेवक के तौर पर आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि किसकी सत्ता इस बार आने वाली है? सुनो, अभी तो ये आघाड़ी सरकार है, इस जगह पे सब मिलके इलेक्शन लड़ने वाले, तो उस जगह पे वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब है, आदरणीय हमारा शरद पवार साहब है, अजीत दादा है, तो इनके माध्यम से वो निर्णय लेंगे। इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, किसको मेयर देंगे, किसको डिप्टी मेयर देंगे, ये ऊपर वाली बात है। इसमें हम लोग को ज्यादा ज्यादा उनका कहना है कि जितना सीट चुन के आएगा उसके लिए हमको प्रयत्न करने का, इसके जो आगे का डिसीजन वो ऊपर वाले। चुनाव है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को और जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको? तो मैं तो ये कहूंगा जितने भी मैं हमारे कार्यकर्ते हैं और दिल से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सभी जितने भी सीट हमारे कैंडिडेट रहेगा वो सब चुन के लेके आने का कार्यकर्ता जवाबदारी है और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इतना हमको विश्वास है। आखिरी सवाल आपसे, तुर्बे को अगले 10 सालों में किस रूप में आप देखना चाहते हैं तुर्बे स्टोर को? तो हमने पहले ही बोल दिया है, तुर्बा स्टोर या हनुमान नगर, अम्बेडकर नगर, इंदिरा नगर, गणेश नगर, जो भी सलाम एरिया है उस जगह पे हमारा एक ही ख्वाब है, जितना हो सके उतना डेवलप होएगा, उसमें सबका समाधान है और सभी सबका खुशी उसमें ही है हम लोग। बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया, और सबसे अहम बात यह है कि आपने तुर्बे स्टोर और तुर्बे इलाके के का जो विजन देखा आपने कि वहाँ स्लम की जगह इमारतें हों, वहाँ के रहवासियों को, वहाँ के लोगों को भी बेहतर जीवन स्तर उनका हो, अच्छी सुविधाएं उनको मिले,
उनके बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण और रोजगार मिले, इसके लिए आपका प्रयास है, आपका संकल्प है कि तुर्बे को अगले 10 सालों में उस मुकाम पर पहुंचाए जहां सारी नागरी सुविधाएं वहां पर मौजूद हों। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये संकल्प जो है, आपका ये विजन है, निश्चित तौर पर सफल होगा। आज की हमारी बातचीत में बस इतना ही। किसी साहब ने लिखा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सुरेश कुलकर्णी जी से बातचीत के बाद इसी तरह का हौसला नजर आता है, क्योंकि ये बात सही है कि जो जनता के लिए काम किया और जनता के लिए जो समर्पित भाव से आगे काम करता रहेगा वही टिकेगा और जनता उसी के साथ रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय देना मत भूलिए। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।